हेलो एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ रिया और मिसलेनियस इन्फो के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहाँ आप सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के थ्रू बहुत ही आसानी से। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वोकैबुलरी वीडियो ऑन एक्सप्रेशंस यूजिंग टाइम, इन टाइम, ऑन टाइम, व्हाट्स द डिफरेंस, आई विल एक्सप्लेन। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ऑन टाइम, ऑन टाइम का मीनिंग होता है एट द स्केड्यूल टाइम, मतलब दिए हुए समय पर। अब यहाँ पे मैं स्केड्यूल बता दूँ, कई लोग इसे शेड्यूल बोलते हैं, कई लोग इसे स्केड्यूल बोलते हैं, जो कि दोनों ही प्रोनंसिएशन रॉन्ग है। एक्चुअली अमेरिकन एक्सेंट या अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्केड्यूल या स्केड्यूल, और ब्रिटिश एक्सेंट या ब्रिटिश लैंग्वेज में इसे बोला जाता है शेड्यूल या शेड्यूल। तो ना तो ये स्केड्यूल है ना ये शेड्यूल है। अगर अमेरिकन एक्सेंट में आप बोलेंगे तो होगा वो स्केड्यूल, और अगर ब्रिटिश एक्सेंट में बोलते हैं तो वो होता है शेड्यूल। आई विल फिनिश माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम समय पर फिनिश कर दूंगी या ख़त्म कर दूंगी। मुझे डेडलाइन दी गई है या मैंने निश्चित कर रखा है एक समय कि मुझे इस टाइम तक ये काम फिनिश करना है दिए हुए समय पर, और मैं कर लेती हूँ, तो वहाँ यूज़ किया जाएगा ऑन टाइम। द बसेज डोंट कम ऑन टाइम, दिए हुए समय पर बसेज नहीं आती हैं, तब हम यूज़ करते हैं ऑन टाइम। विल गेट देयर ऑन टाइम, हम वहाँ समय पर पहुँच जाएंगे। हमें कहीं जाना है और एक समय दिया गया है कि इस टाइम तक आपको वहाँ पहुँचना है, और हम उस समय तक, उस एग्जैक्ट उस टाइम तक पहुँच जाते हैं, तो हम बोलेंगे वहाँ पर विल गेट देयर ऑन टाइम। इन टाइम का मीनिंग होता है बिफोर द स्केड्यूल टाइम, दिए हुए समय से पहले। इन टाइम यू विल फॉरगेट हिम, समय से पहले तुम उसे भूल जाओगी। डिड दे अराइव इन टाइम, क्या वे दिए हुए समय से पहले पहुँचे। शी डिडंट फिनिश हर वर्क इन टाइम, उसने अपना काम दिए हुए समय से पहले फिनिश नहीं किया। तो ये था डिफरेंस ऑन टाइम और इन टाइम के बीच का। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।